गाइस ये आप देख सकते हो हमारे सीनियर्स और वो भी हमारे सीनियर्स से बैठे हुए वहाँ पर, ये भी हमारे सीनियर है। गाइस काम क्यों नहीं कर रहे आप? अरे यार एक्चुअली हम उसका यार प्रोजेक्ट का मटेरियल है, जैसे है ना हम लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ एक कोर सेग्रेड ऑफ फाइनल ग्रेड कर रहे हैं, इससे हम लोग अलग अलग प्रोपोर्शन में चेक करेंगे कि हम कितने परसेंट एक्चुअली ब्रिक वेस्ट है जो जहाँ से ईंटें वगैरह टूटती है ना तो पूरे वो टूटे हुए ईंटें हैं, सीएनडी वेस्ट है कंस्ट्रक्शन वेस्ट, वो ये वेरियस परसेंटेज से चेक करेंगे कि कहाँ पे हमें मैक्सिमम। तो हर एक ग्रुप को कुछ प्रोजेक्ट में वो मिलता है, हर एक ग्रुप का, जैसे अभी हमारा जो निखिल सर के अंडर है तो वो लोग कंक्रीट पे कर रहे हैं, और जैसे दूसरे हैं सबके अलग अलग डोमेन है, स्ट्रक्चर है, GIS है और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग है, तो अलग अलग डोमेन्स है, वहाँ डोमेन है बेसिकली। अभी इसके बाद आप क्या करने वाले हो? इसके बाद तो जैसे अभी तो हम प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप पे हैं, अभी आपके मटेरियल तैयार कर रहे हैं, फिर इसके बाद क्यूब कास्टिंग होगी, क्यूब कास्टिंग के बाद हम लोग क्यूब्स को टेस्ट करेंगे वेरियस डेज पे, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज पे, तो उस पर हम वेरियस टेस्ट परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलती है, अकॉर्डिंग टू दैट विल जस्ट प्लॉट अ ग्राफ, उस पर देखेंगे कि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ किस प्रोपोर्शन पे मिल रही है, वो हम लोग प्रोपोर्शन फिक्स करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन बाय वेट ले रहे हैं, बाय वॉल्यूम, प्रोपोर्शन बाय वेट ले रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज देखते हैं ना क्यूबिक मीटर में होता है कोई भी कैलकुलेशन, तो तू सारी उसमें होगी ना तेरी वेट उसमें आएंगे ना, वेट बाय वेट में आएगा सारा चीज़ तेरा। तो इसका यूज़ आप कोई पर्टिकुलर, जैसे मान लो अगर आप रोड के लिए जा रहे हो या किस चीज़ के लिए जा रहे हो, कंस्ट्रक्शन के लिए जा रहे हैं नॉर्मल के लिए, जैसे तीन नाम है बताना है, जैसे 12.5 से पास 10 पे रिटेन 30 कोर्स एग्रीगेट, फिर उसके बाद है आपका 10 mm से पास एंड 4.75 पे रिटेन, फिर उसके बाद है 4.75 से पास 2.36 पे रिटेन, और फिर 2.36 से पास पैन पे, जैसे 2.36 से पास होगी तो पैन में कलेक्ट हो जाएगी और 2.36 से जो रिटेन हो गई वो अलग हो गई। फिर हम लोग 14 दिन पे वापस 5 क्यूब लेंगे, प्लस हम 21वें दिन पे लेंगे, फिर 28 दिन पे लेंगे, एक ग्रुप के कितने हो गए 20 क्यूब हो गए, फिर हम इनको इनटू करेंगे, दो ग्रुप के हो गए 40 हो गए, अब हम इसके तीन सेट्स बनाएंगे, एक ग्रुप को 40 क्यूब टेस्ट करने का मतलब एक सेट हो गया, और ऐसे तीन सेट्स होंगे, तो 40 × 3 = 120 ब्रिक यूज़ करो, 120 क्यूब हम लोग टेस्ट करेंगे। अराउंड प्रोपोर्शन यार स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, M25 M30, तो वही थोड़ा वेरियस प्रोपोर्शन पे ट्राई करेंगे ना, तो जैसे डिजाइन तभी टीम वो चाहिए आप लोगों को, हम 5 टीम से